Welcome to the OGI video classes. This is the first lecture of C language for BCA 1. तो आज का टॉपिक है एल्गोरिदम. हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम के बारे में. तो एल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले आपको बेसिक ये समझना है कि एल्गोरिदम को सिंपल भाषा हम इस तरीके समझा सकते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसका एक प्री प्रोसेस, यानी पहले से किया गया एक ऐसा काम जिसको हम स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड मेकअप या अपना पेपर वर्क करते हैं कि कोई भी काम हमें सीक्वेंस से एक स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है. इसकी डेफिनेशन से समझते हैं. एल्गोरिदम इज अ सिक्वेंशियल फाइनाइट नॉन कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रिटन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखा होता है हमारा, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है और फाइनाइट यानी कि इसकी एक निश्चित स्टेटमेंट जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं वो निश्चित होते हैं और सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक किया गया आपका काम. जो भी हमने स्टेप बाय स्टेप उसने जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सबसे पहले हम पेपर वर्क पे लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कोई भी काम हमें कैसे करना है. ये जो होती है इसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के कुछ नोटेशंस होते हैं. नोटेशंस मतलब ये कि एल्गोरिदम में क्या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से यूज़ करनी है, कैसे और उसको हमें क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ नेम एंड पैरामीटर्स, मतलब हमें अपने एल्गोरिदम में जो काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अब उसका नाम और पैरामीटर्स का मतलब हो गया. जब भी इसे कोई फंक्शन आप इस तरीके से लिख रहे हैं, अगर किसी फंक्शन में हमें किसी तरीके का कोई पैरामीटर्स देने हैं तो वो सारे पैरामीटर्स हमें इजीली लिखने हैं साथ साथ में. यानी किसी फंक्शन का नाम उस फंक्शन में हमारे क्या क्या पैरामीटर्स पास होंगे वो भी हमें लिखने चाहिए एल्गोरिदम में. दूसरा होता है हमारा कमेंट, यानी कि जहाँ पर भी आप किसी भी सेक्शन को कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट्स भी हमारी एल्गोरिदम में मेंशन होनी चाहिए कि जब आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो तो इस सेक्शन में ये वाली कमेंट्स ऐड कर दें ताकि प्रोग्राम करते टाइम पे जो नेक्स्ट प्रोग्रामर होगा या जब दोबारा अपने प्रोग्राम को मेंटेनेंस के लिए ओपन करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए. थर्ड है वेरिएबल नेम, यानी जब भी अपने प्रोग्राम में हमें क्या कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं उनके नाम लिखने पड़ेंगे और उनके बारे में कि वो वेरिएबल किस लिए हम लिख रहे हैं, उसका काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम एल्गोरिदम में अपना मेंशन कर लेते हैं पहले ही. उसका असाइनमेंट ऑपरेशंस, जहाँ पर भी हमारे कोई भी इक्वेशंस आती हैं जिसमें कोई भी असाइनमेंट होता है तो वो असाइनमेंट्स हम लिखते हैं. जैसे अगर हमारा कोई सपोज हम अगर एडिट सम ऑफ टू नंबर्स करते हैं तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन या अपना लॉजिक लिखते हैं तो यहाँ पर ये एक असाइनमेंट हो रहा है ए एंड बी का ऑपरेशन का प्लस करके जो असाइन हो रहा है सम में. तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेशन भी हमारे इंक्लूड होने चाहिए एल्गोरिदम में कहाँ कहाँ पर हमारा असाइनमेंट हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनपुट एंड आउटपुट. तो जो भी हम इनपुट ले रहे हैं कोई वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं वो और हमारे आउटपुट फंक्शंस जहाँ पे हम अपना आउटपुट या प्रिंट आउट दे रहे हैं स्क्रीन पर वो हमारे क्लियरली मेंशन होने चाहिए एल्गोरिदम पे कहाँ पे हमें स्कैन करना है यानी कहाँ पे हमें इनपुट लेना है और कहाँ पर हमारा आउटपुट देना है. ये हमारे एल्गोरिदम का पार्ट होना चाहिए. सीक्वेंशियल स्टेप्स, सिक्वेंशियल स्टेप्स आपके होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 10 लाइन का कोई आप एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं लेकिन आप उसके स्टेप्स को अप डाउन कर दें, ऐसा नहीं है. एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होना चाहिए वो सिक्वेंशियल वे में ही लिखा होना चाहिए एकदम प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट. दूसरा है रिपीटेटिव स्टेप्स. आपका रिपीटेटिव मतलब जहाँ पे कोई भी ऐसा टास्क अगर आपका आ रहा है जहाँ पे हमें रिपीट स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे अगर आपका कोई लूप वगैरह है आपकी या कोई कंडीशनल चीज़ें हैं वो सारी हमारी यहाँ पे लिखी होनी चाहिए कि यहाँ पर हम कोई भी लूपिंग हो रही है या रिपीटेटिव स्टेप्स हो रहे हैं उसको हमें क्लियरली अपने एल्गोरिदम में मेंशन करना है. नेक्स्ट है आपका एग्जिट और रिटर्न. लास्ट में कहीं पे अगर आप एग्जिट हो रहा है तो आपको एग्जिट मेंशन करना है या कुछ वैल्यू आप उसका रिटर्न टाइप है आपका रिटर्न दे रहे हैं तो आपको रिटर्न वहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया या एग्जिट हो गया या फिर यहाँ पे आपका रिटर्न करना है. नेक्स्ट आपका है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. अगर आपके प्रोग्राम में कहीं एरे यूज़ हो रही है यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आपके यूज़ हो रहे हैं तो वो आपकी लिस्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए. तो ये जो था एक एल्गोरिदम था, एल्गोरिदम का प्रोसेस कि एल्गोरिदम क्या होता है और उसके कुछ नोटेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हमने इसे पढ़ा. तो फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक रिटन वे होता है जिसमें हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लिखते हैं
स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, हमारे प्रोग्राम में क्या क्या लॉजिक लगेगा, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या क्या असाइनमेंट्स होंगे, क्या इसके हमारे रिपीटेड टास्क होंगे, और उसका एग्जिट या रिटर्न स्टेटमेंट आपका होगा वो आपने लिखना है, और उसके बाद हमारा एरे ऑफ इसका एलिमेंट ऑफ एरे या इसके किसी भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनके में लिस्ट लिखनी है, तो वो सारा हमारा मेंशन होना चाहिए। ये इसके प्रॉपर एल्गोरिथम के नोटेशंस आपके लिखे होने चाहिए। एक एप्रोप्रिएट और सही एल्गोरिथम से आपका प्रोग्राम बहुत ही इफ़िशियंट आसानी से बनता है और बहुत ही सुलभता से इसको बनाया जा सकता है। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसके बाद हम उस पर एक्शन करते हैं। तो आपके जब प्रोग्राम एनवायरनमेंट में अपना प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले आपके एल्गोरिथम अगर बनी होगी तो बहुत ही आपका इफ़िशियंट और बहुत ही आपका प्रोग्राम बनाने में और लिखने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इस लेक्चर को और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।